नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें आज की तैयारी होती है और 20 दमदार सौदे आपके लिए पेश किए जाते हैं। और आईपीएल यानी कि इंडियन प्रॉफिट लीग में हम बताते हैं कुछ ऐसे शेयर जहां पर फुल टॉस में आपको कमाई के मौके हैं, जहां पर जॉकर लग सकती है, बिकवाली का मौका आपके पास है। गुड़ी पड़वा की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी संदीप। आपको भी रजत। इनफैक्ट मराठी न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है, कल है ये, लेकिन हम आज ही इसे रिजॉइस करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि जो नया साल आएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, प्रॉस्पेरिटी वाला आए और बहुत सारे मुनाफे वाला आए। अच्छा, तो आगे के लिए महाराष्ट्र में क्या बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि ज्वेलरी और उसके अलावा यहाँ पर कपड़े, नई नई चीज़ें खरीदी जाती हैं? नया साल होता है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं इसी उम्मीद के साथ कि नया साल अच्छा आएगा, मुनाफे वाला आएगा, तो नए कपड़े, नई ज्वेलरी, नए घर, गाड़ी, सब कुछ अच्छा मौका होता है। अच्छा, ये एक मुहूर्त होता है तो हर कोई अपनी जो खरीदारी है उसको इसी टाइम पे ही प्लान करता है। अगर आपको घर की डिलीवरी लेनी है, चाबी लेनी है, कार की डिलीवरी लेनी है, नए कपड़े खरीदने हैं, नई ज्वेलरी लेनी है, तो इसको ऑस्पिशियस माना जाता है, अच्छा मुहूर्त माना जाता है, तो इसी दिन पे ही नॉर्थ इंडियन नवरात्रि के तौर पर मनाए जाते हैं। 9 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर व्रत रखते हैं लोग और उसके बाद यहाँ पर दो मौके एक साथ आते हैं। तो ठीक है, लेकिन आज के सत्र में ग्लोबल क्यूज ये इम्पैक्ट डालेंगे मार्केट्स पे। हालांकि बाजार फिर से अपनी चार चलते हैं क्रेडिट पॉलिसी के बाद 1/4% की ब्याज दरें कटी। आपने कहा था कोई बदलाव नहीं होगा, सेंटीमेंट बिगड़ गया ऑफिस स्तरों पर जिस तरह की बिकवाली देखने। मैंने आपको क्या कहा था, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 1/4% ब्याज दरें घटेंगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो आप भले कहिए, मैंने जो स्टॉक्स आपको कल बताए थे शॉर्ट कर सकते हैं वो उतने ज्यादा नहीं गिरे, लेकिन आप देखिए जो मूड है मार्केट का आपको साफ पता लग जाना चाहिए कि 30,000 का जो बैंक निफ्टी है ना, ना केवल कल की पॉलिसी, रजत मैं फिर कह रहा हूँ जून की पॉलिसी भी डिस्काउंट करके बैठा हुआ है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब तो एक एम्पेटस, एक स्टिमुलस की बहुत बड़ी जरूरत है अगर 30,000 के ऊपर निफ्टी बैंक को चलना। कल देखिए 29,900 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, ज़्यादा वीक नहीं हुआ है क्योंकि अभी शॉर्ट करने में डर लग रहा है, लोगों को कन्विक्शन नहीं बन पा रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हाँ, ग्लोबल क्यूज आज सपोर्टिव हैं, ज़्यादातर एशियन मार्केट्स आज बंद हैं, लेकिन जो मार्केट्स खुले हैं उनमें अगर आप देखें तो आज पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली क्योंकि कल डाउ जोन्स 166 अंक चढ़ के बंद हुआ है। उम्मीद यही बन रही है कि चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वार्ता है वो एक सहमति, एक कंसेंसस, एक आम राय के रूप में बदलती हुई दिखेगी, उसी का इम्पैक्ट आप देखें कल यूएस के मार्केट में देखने को मिल भी रहा था और आज हो सकता है यूरोपियन मार्केट की शुरुआत भी पॉजिटिव हो जाए। एक समय तो खबर ऐसी भी थी कल यूएस के मार्केट्स में कि ट्रेड समिट जो शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में होने वाली है उसकी डेट की घोषणा भी कल हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्रंप ने तो ये कह दिया कि 4 हफ्ते लग सकते हैं अभी भी डील होने में। तो अलग अलग खबरें चल रही हैं, हालांकि चाइना के जो वाइस प्रीमियर वो कह रहे हैं कि आम राय बनी है व्यापार को लेके, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन हाँ उम्मीद यही ड्राइव कर रही है कि शायद ये डील हो जाएगी और उसी की वजह से आप देखिए 2 दिन से हम जो गिर रहे हैं उसके बाद एसजेक निफ्टी आज एक अपटिक की इंडिकेशन साफ तौर पर दे रहा है। चलिए, हल्की खरीदारी एसजेक निफ्टी के तौर पर यहाँ पर इंडिकेटिव एक्शन में देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स की पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिले अगर ऐसे यहाँ पर आधे घंटा और गुजार लेते हैं तो। लेकिन कल के परफॉर्मेंस बताते हैं आपको कुछ स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। देखिए, मैं तो फिर भी खरीदारी लेकर चल रहा था, संदीप ने यहाँ पर बिकवाली के सौदे खड़े किए थे पोर्टफोलियो में। जो मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पर जो रिटर्न आए उसमें बॉम्बे डाइंग ये लगभग 4.5% के आसपास की तेजी में था और वेल्सपन एंटरप्राइजेस यहाँ पर भी शुरुआती एक्शन बाजार में स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स थे उसमें जेट एयरवेज एक स्टॉक था राजा, हालांकि कल जो क्लोजिंग है वो 3% ऊपर हुई है, लेकिन आपको बिकवाली करने की राय दी गई थी और फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। परसों भी गिरा था शेयर, कल भी देखने को मिला। उज्जीवन में आपको बिकवाली करने की राय दी गई थी कि पॉलिसी में 1/4% का कट आ भी जाए तब भी NBFCs पे प्रेशर देखने को मिलेगा। उज्जीवन 3% गिरा, रेपको होम फाइनेंस होना चाहिए था 7% कल वो गिरा, उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। और हीरो मोटो को आपको बताया गया था कि खरीदारी कीजिए, 2.25% के आसपास गेंस देखने को मिले और आयशा मोटर लो लेवल से रिकवर हुआ, लेकिन एक समय गिरावट थी, इसमें भी शॉर्ट करने की राय दी गई थी। तो जैसा बताया गया था वैसे ही कुछ रुझान स्टॉक्स में देखने को मिला, हालांकि बाद में पलटते हुए दिखे। आयशा मोटर तो मैंने कहा भी था गूगली है, उसलिए देखा जाए पहले गिरा फिर उसके बाद फिर एकदम से तेज देखने को मिले। लेकिन शुरुआत आज ज्वेलरी स्टॉक से साथ, उसमें मुझे पता है पहला स्टॉक टाइटन ही है क्योंकि जिस तरह की कमेंट्री है बहुत पॉजिटिव है, कंसेक्यूटिव 3 साल वो बोल रहे हैं बहुत बिजनेस के लिए बेहतर बैठ गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब ब्रॉड बेस्ड सेगमेंट जो परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दिया है। FY19 में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 21% है। FY19 में वो ये कह रहे हैं कि ज्वेलरी बिजनेस जो 22% की ग्रोथ दिखा गया है और FY20 के लिए एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 20% की
ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि गाइडेंस वो 20% के अभी भी लेकर चल रहे हैं कंजर्वेटिव तरीके से। रिकॉर्ड स्टोर्स ऐड किए हैं पिछले फिस्कल में और आने वाले समय के लिए ये ग्रोथ जो है वो और जारी रहेगी। इनके आईवीयर वॉचेस ये तमाम सेगमेंट्स बेहतर कर रहे हैं और जो ब्रोकिंग हाउसेज की रिपोर्ट्स आज हम ट्रैक कर रहे हैं, मॉर्गन स्टेनली, मैक्वेरी, इन तमाम ब्रोकिंग हाउसेज का जो टारगेट है मौजूदा स्तरों से ऊपर का ही है। आप 1138 से 1145 के लक्ष्य के लिए टाइटन पे आप बेट लगाएं, 1095 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और बतौर फुल टॉस शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। लेकिन फुल टॉस शेयर एक और हो सकता है वो है पीसी ज्वेलर, क्योंकि अगर टाइटन ने यहाँ पर इतनी बढ़िया गाइडेंस दी है तो उसका असर हो सकता है कि आज ज्वेलरी स्टॉक्स भी देखने को मिले। और वैसे भी कह रहे हैं कि गुड़ी परवा के मौके पर कुछ चुनिंदा सेक्टर जहाँ पर खरीदारी हो सकती है उसमें ज्वेलरी आज के सत्र में लाइमलाइट में रहेगा। 85 तक के टारगेट आप पीसी ज्वेलर पे रखें और 80 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। 1250 रुपए का टारगेट दिया है मॉर्गन स्टैनली ने टाइटन के ऊपर, तो टाइटन तो आज चलेगा ही, इनफैक्ट मेरी लिस्ट में शामिल होता रजत, आपने चुरा लिया मैं तो ये कहना चाहूंगा। और भी बहुत स्टॉक्स हैं, टीवी सेट रख सकते हैं। हाँ तो वो तो फिर है ही ना विकल्प, अगर आप पीसी ज्वेलर लेके आए हैं तो फिर बाकी जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं फिर मेरे पास होंगे ना, वो टीवी से मैंने चुना है आज के लिए। जाहिर सी बात है जो टाइटन ने जिस तरह के नंबर्स दिए हैं और जिस तरह की गाइडेंस दी है उसके बाद आज हो सकता है कि टाइटन में तो छक्के चौके लगेंगे ही, लेकिन टीबीजी भी पीछे नहीं रहेगा। इसमें तो छोटे टिकट साइज वाला जो एक इंपैक्ट है, जो ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है ये, उसका भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। 65 रुपए का लक्ष्य होगा आज के लिए, 59 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और थंगमेल ज्वेलरी इसको भी ना भूलिए, आज पूरा जो ज्वेलरी एज अ पैक है वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो आप थंगमेल ज्वेलरी में उतरें तो 340-345 तक के जोन आज देखने को मिल सकते हैं। आप 323 रुपए के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस रख लीजिए, इनफैक्ट 323 के आसपास की क्लोजिंग है एनएससी के ऊपर, तो 320 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लें। 340 तक की चाल ऊपर की ओर आती हुई दिख सकती है। चलिए 320 ये एक स्टॉप लॉस रखें और 340 के जो टारगेट्स हैं वो थंगमेल पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नजर में रहेगा एचपीएल इलेक्ट्रिक और ये जो भी इलेक्ट्रिक गुड्स से जुड़ी हुई कंपनियां हैं या फिर जो वायर केबल्स से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से जुड़ी कंपनियां, वहां पर आज के सत्र के लिए हो सकता है कि तेजी बनती हुई नजर आए। आज से पॉलीकैब का आईपीओ खुल रहा है, 9 अप्रैल तक खुला रहेगा और इस आईपीओ के जरिए 1346 करोड़ रुपए एग्जिट रूट प्रोवाइड किया जा रहा है प्रमोटर्स को, और साथ ही साथ प्रमोटर्स का थोड़ा हिस्सा कम होता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ जो मौजूदा निवेशक हैं वो भी थोड़ा अपना हिस्सा बेचेंगे। 533 से 538 रुपए पॉलीकैब के आईपीओ का प्राइस तय हुआ है। लेकिन एचपीएल इलेक्ट्रिक पिछले कुछ दिनों में नहीं चला, दम रखता है चलने का, 60 तक के टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 57 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक में खरीदारी की राय होगी। लिकर स्टॉक्स एकदम से तेज हो रहे हैं, नतीजे जीएम ब्रूरीज के जो हमारा अनुमान था उससे बेटर साइड पे पड़े हैं, क्या अदर इनकम का कंपोनेंट ज्यादा है या फिर ओवरऑल एबिटा फ्रंट पे देखें, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पे देखें तो जीएम ब्रूरीज ने मंथ ऑन मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसे देखिए नंबर्स, अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें ना तो आपको हो सकता है कि अच्छे साउंड करें, क्योंकि हम कह रहे थे कि मुनाफा 27% गिरेगा, उतना नहीं गिरा है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट फ्लैट मुनाफा है अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें। लेकिन उसमें देखिए जो अदर इनकम का सपोर्ट है वो काफी ज्यादा है। अच्छा, पिछली बार बेस बहुत ऊंचा था अदर इनकम का, उसके भी ऊपर के नंबर आए हैं, 6.5 करोड़ के आसपास का बेस था, 8-8.5 करोड़ रुपए के आसपास की अदर इनकम आई है। और दूसरा टैक्स भुगतान में कमी हुई है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि अन्याय बड़ी, टैक्स भुगतान कम हुआ उस वजह से ना मुनाफा अच्छा दिख रहा है। लेकिन आप कामकाजी मुनाफा देखिए, एबिटा में भी ड्रॉप है और मार्जिन हम कह रहे थे 7.9% है वो घटकर 7.5% आ जाएंगे, 6.5% के भी नीचे चले गए। अच्छा, इतनी 3 तिमाहियां कमजोर थी और इस बार भी आप देखिए जिस तरह से मार्जिन के टूटे हैं ना, अगर स्टॉक मुझे लगता है अगर ऊपर खुल गया ये स्टॉक तो फिर जहां खुलेगा वहीं टॉप बन जाएगा। पर जो बाकी के लिकर स्टॉक थे वो एकदम से कल रडार पर आए थे, यूनाइटेड स्पिरिट्स में कल के सत्र में डेरिवेटिव मार्केट पे अच्छे एक्युमुलेशन देखने को मिले बाजार बंद होते होते, तो ठीक है अगर यहां पर जीएम ब्रूवीज ना चला होता क्या है रजत। देखिए जीएम ब्रूवीज जब नंबर्स आते हैं ना अगर ये चलता है तो उसके साथ साथ पूरा सेक्टर चलता हुआ दिखता है, और इस बार होप्स नहीं थी जीएम ब्रूवीज के नंबर से। हालांकि ऑन द फेस ऑफ इट हो सकता है ये ऊपर खुल जाए, बाकी स्टॉक्स को भी ड्राइव करता हो देखे, लेकिन मुझे लगता है कि जीएम ब्रूवीज जहां खुल जाएगा ना वहीं टॉप बन जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें, इनकी मार्जिन्स देखें खासतौर पे, उसमें गिरावट आई और अनएक्सपेक्टेडली इनकी सेल्स भी घटी है इस बार, तो 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि हो सकता है कि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में 2% के आसपास का ड्रॉप है, लेकिन कामकाजी मुनाफा और मुनाफा ये क्वार्टर क्वार्टर बेसिस मुनाफा, हाँ मुनाफा अगर आप देखेंगे तो तिमाही दर तिमाही आपको अच्छा इंप्रूवमेंट नजर आता है। लेकिन दिक्कत वही है, दिक्कत क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स वाली जो बात, ठीक है मार्जिन प्रेशर देखने को मिले जीएम ब्रूवरीज पे, अन्याय बड़ी। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आप नजर रखें, यहाँ पर 555 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है, 534 जब तक ये रहेगा 535 के ऊपर तब तक ट्रेड करने का मौका है, 555 तक के टारगेट्स इस स्टॉक पे लगाकर चल सकते हैं। चलिए मेरी लिस्ट में जो अगला शेयर है वो है बल फार्मा का। देखिए आज हो सकता है मार्केट्स में जो डिफेंसिव्स है वही ज्यादा एक्टिव रहते हुए देखें, इसलिए मैंने 2-3 फार्मा जो स्टॉक्स हैं उनको शामिल करने की कोशिश करी है। बल फार्मा में वैसे भी आप देखें छोटा टिकट साइज है वो तो फायदा है ही, इनका जो उत्तराखंड का प्लांट है उसको ईयू रेगुलेटर से जीएमपी सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि गुड
मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिला है। तो ये एक अच्छी खबर है इस स्टॉक के लिए, हो सकता है इन खबरों के चलते, और वैसे भी अगर डिफेंसिव या फार्म आज एक्टिव रहे तो 75 रुपये तक की चाल स्टॉक में आ जा सकती है। 68 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। बल फार्मा को खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और एक स्टॉक है जेंसा टेक, इसको ना भूलें आज के लिए। आज हो सकता है इन्होंने जो अपने मेक्सिको लैटिन अमेरिका में जो ऑपरेशन शुरू किए हैं उसका इंपैक्ट स्टॉक पे पॉजिटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। रुपया वैसे भी कल कमजोर हुआ है तो कुछ आईटी प्लेस भले सिलेक्टिव इस बार हैरान कर दिया आईटी स्टॉक्स ने, अर्निंग्स को पहले फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं लग रहा है, क्योंकि बाजार में रुपया वीक हुआ उसके बावजूद जो आईटी स्टॉक्स हैं परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ठीक है, आज देखते हैं कि आईटी की ओपनिंग कैसे देखने को मिलती है। 240 तक की चाल आ जाएगी। चलिए ठीक है, लेकिन जो अगला शेयर है वो है फुलटॉस शेयर और वो है ज्योति लैब्स, जिस पे आप नजर रख सकते हैं। बहुत समय से स्टॉक की बारी नहीं आई है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो है 250 रुपए। आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू कर दिया है। वो बोल रहे हैं मल्टी प्रोडक्ट सेगमेंट में पोजीशन, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस से कंपनी को फायदा है, और जो मुख्य शेयर्स हैं उनके मुख्य ब्रांड्स वहां पर भी मार्केट पोजीशनिंग बहुत बेहतर है। 195 यहां तक के टारगेट्स रखें आज, और 180 ज्योति लैब्स पे लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। और साथ ही साथ पिरामल एंटरप्राइजेस, देखिए लगातार टूटा था लेकिन कल के सत्र में उतनी गिरावट नहीं दिखी। निचले स्तरों से हो सकता है कि अच्छी आज चाल पकड़ता हुआ नजर आ, और वीकली क्लोजिंग बेहतर लेवल्स पे करे। 2660 ये एक टारगेट रहेगा, और 2600 का लगाना होगा एक चैनल, 2600 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। फार्मा स्टॉक्स में वैसे भी इस समय अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा रजत, आप अगर एक ट्रेडर है ना, तो फिर तो अगले जो दो स्टॉक मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उन दो स्टॉक्स पे आपको जरूर नजर रखनी है, और उनमें हो सकता है कि आज आपको पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करना चाहिए। पहला नाम तो है थिरुमलाई केमिकल का, छोटा टिकट साइज है, उसका फायदा तो है ही है, लेकिन आप देखिए जो कल जो सर्किट फिल्टर चेंज हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका सर्किट फिल्टर 5% से बढ़ाकर 20% किया गया है। उसमें से थिरुमलाई केमिकल एक नाम है जिसमें 5% से सर्किट रिवाइज होकर 20% हुआ है। फंडामेंटली आप बोलेंगे कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सेंटीमेंट वाइज अगर आप देखें तो ट्रेडर्स ऐसे ही स्टॉक्स की तलाश करते हैं जहां पे अगर आप देखें तो रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। 5% या 10% वाले स्टॉक्स में अमूमन हम देखते हैं कि ट्रेडर्स की एक्टिविटी काफ़ी कम देखने को मिलती है। जैसे ही 20% का सर्किट होता है तो वहाँ पर ट्रेडर्स की ओर से जो एक्टिविटी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। तो थिरुमलाई केमिकल को आज इसी चीज़ का फायदा मिलेगा। 100 रुपये तक के लेवल्स आ सकते हैं, 91 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, छक्के चौके लगा सकता है, इसलिए मैंने इसे फुलटॉस का दर्जा दिया है आज के लिए। और दूसरा स्टॉक है नेल्को, NELCO, यहाँ पे भी अगर आप देखें यहाँ पे तो चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी मजबूत है, और 5% से सर्किट फिल्टर अगर बढ़कर 20% होता है तो यहाँ पे भी हो सकता है ट्रेडर्स की ओर से एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग आज दिन में देखने को मिले। 305 का लक्ष्य होगा, 288 का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादातर खरीदारी के ही सौदे अभी तक बताए गए हैं। आपने तो कल भी कोई यॉर्कर नहीं उतारी थी। नहीं, यॉर्कर आज है मेरे पास वैसे, लेकिन अभी अब खरीदारी के सौदे आज मेरे पास नहीं, मेरे पास है ल्यूपिन, यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। फार्मा स्टॉक्स जिस तरीके की क्लोज कल के सत्र में देखे गए हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर तेजी जो है वो और बढ़ती हुई नजर आए। 804 ये नेक्स्ट टारगेट होगा, और 784 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और कल की क्लोजिंग के ऊपर ही निकले 790 के ऊपर तो आप अपने पोजीशंस को हैं वो तेजी की साइड पर चुन सकते हैं 804-805 के रेंज के लिए। लेकिन लेकर मैं नहीं छोड़ूंगा आज, और यूनाइटेड ब्रूरीज एक और स्टॉक जिसमें आज के सत्र में फिर से तेजी बन सकती है। सेटअप स्ट्रांग हुआ है, देखिए जब कल की क्लोजिंग के अगर ऊपर रहा ये स्टॉक तो यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन रहेगी, और वीकली क्लोजिंग और बेहतर लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। 1447-1450 ये लेवल यूनाइटेड स्पिरिट्स के आज टारगेट के तौर पर रखें आप, लेकिन 1415 ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर यूनाइटेड स्पिरिट्स यूनाइटेड ब्रूरीज में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। सोचा तो मैंने भी था रजत की कुछ लिकर स्टॉक्स ले लूँ, जीएम ब्रूरीज के नंबर फेस ऑफ इट अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने उसके मार्जिन देखे ना, जो कारोबारी जो कामकाजी मुनाफा उसका देखा, तो एक और मेरी हिम्मत नहीं हुई। इलेक्शन अब जो पोलिंग शुरू हो जाएगी एक ही हफ्ता रह गया, तो उसके पहले लेकर स्टॉक्स आप ले सकते थे। पायनियर हम तो कह रहे थे मांग बहुत अच्छी है, लेकिन सेल्स भी बढ़ के नहीं आई जितनी हम मांग के चल रहे थे, उसका क्या किया जाए? वो तो पिछले क्वार्टर की बात है ना, मैं आने वाले जीएम ब्रेवरीज चलेगा, बाकी चल जाएंगे, आपके स्टॉक चल जाएंगे, बहुत जबरदस्त लेकर स्टॉक्स। मैं कह रहा हूँ आप जो ट्रेडर्स वाले जो फेवरेट स्टॉक है ना उनके ऊपर नजर रखिए, आज बीपीएल पे नजर रखिए। देखिए ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक का छोटा टिकट साइज है, और सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हो गया, आप तो 10% से बढ़कर 20% हो गया है। 30 रुपए का लक्ष्य होगा, इसी ट्रिगर के आधार पे 2590 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। और बलरामपुर चीनी को आज ना भूलिए, देखिए आज बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो बलरामपुर चीनी ये भी ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है, और हाल फिलहाल बहुत अच्छे रिटर्न स्टॉक ने डिलीवर किए भी हैं। बायबैक का प्राइस अगर ऊपर आ गया रजत, तो फिर हो सकता है कि घोषणा के बाद इसमें आज जो 52 वीक हाई है 144 का वो भी हिट हो सकता है। 135 का स्टॉप लॉस रखें बलरामपुर चीनी, इसको आप ऐड कर सकते हैं बाइंग की लिस्ट में। चलिए यॉर्कर शेयर उतारता हूँ मैं, और यानी कि बिकवाली की कॉल वो रहेगी MRPL पे। देखिए अब क्रूड चल पड़ा है और ये पहुंच गया 70 के आसपास, और जब तक अब ये क्रूड में तेजी बनती रहेगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ये कि ऑफशोर कंपनियां, ड्रिलिंग कंपनियां यहां तो तेजी रहेगी, लेकिन रिफाइनिंग कंपनियां
ये कहीं ना कहीं पिछड़ सकती हैं। MRPL चेन्नई पेट्रो यहाँ पर नेगेटिव बेट्स हो सकता है, लग जाएं 68-68.50 ये आज के दिन का टारगेट MRPL पे रहेगा, और 71 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। रुपया भी तो कमजोर हो रहा है इसके साथ साथ, साथ रुपया भी कमजोर हो रहा है, डबल वैमी दोहरी मार। OMC एक और तबका है जहाँ पर भी कमजोर दबाव देखने को मिले, तो MRPL जैसे स्टॉक्स को बेचकर चल सकते हैं आप। और इसके अलावा जो खरीदना है वो है GNFC, इस हफ्ते बेहतरीन परफॉर्मेंस स्टॉक के देखने को मिली, और हो सकता है वीकली क्लोजिंग इनसे भी जो लेवल्स कल की कोट हो रहे थे उससे भी ऊपर देखने को मिले। 322-321 की रेंज पे लगाइए एक स्टॉप लॉस, कल की क्लोजिंग के ऊपर निकलता है GNFC तो 336 तक की चाल पकड़ सकता है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे एक्शन तेज हो सकता है अभी भी। अरे मैं बताना ही भूल गया रजत, मैंने बलरामपुर चीनी मेरा गूगली शेयर था, कल गिरा था, आज हो सकता है बड़े चौके छक्के लगाता हो, देखिए जी। खैर अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है सिप्ला का। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि आज कुछ फार्मा नेम्स ऐसे हैं, कुछ ट्रेडर फेवरेट स्टॉक हैं जो कि ज़्यादा एक्शन में रह सकते हैं सिप्ला में। वैसे भी अगर आप देखें इनके गोवा प्लांट की जांच हुई थी 21 से 28 जनवरी के बीच में, और USFDA से इनको अब क्लीन चिट मिली है, EIR मिला है, एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट यानी कि जो जांच है पूरी हो चुकी है, और वहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं निकल के सामने आया। तो सिप्ला में आज हो सकता है 540 का लक्ष्य आ सकता है, 517 का आप स्टॉप कर सकती। और एक स्टॉक है मदरसन सुमी, जैसे ना केवल आज के लिए बल्कि आप एक पोजिशनल व्यू के हिसाब से भी स्टॉक में उतर सकते हैं। दरअसल उम्मीद यही है कि जो ट्रेड वॉर को लेकर US और चाइना के बीच में बात चल रही है वो अब सुलझती हुई दिख रही है, ऐसे इंडिकेशन निकल के सामने आ रहे हैं कि एक आम राय जैसी सिचुएशन बन रही है। वक्त कितना लगेगा वो देखने लायक बात है, लेकिन हाँ इन दोनों देशों को इस चीज़ पे एग्री करना ही होगा, क्योंकि दोनों देशों के अगर आप आंकड़े देखें हाल फिलहाल के वो यही इंडिकेट करें कि अगर ये ट्रेड वॉर आगे बढ़ता हुआ दिखा तो फिर दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी में दिक्कत आती हुई दिखेगी। तो मदरसन सुमी इसका बेनिफिशियरी है, आप थोड़ा सा टाइम का वेट कर लीजिए कब इसकी घोषणा होती है, लेकिन हाँ 165-170 तक की जो चाल है आसानी से स्टॉक में आ सकती है, 148 का आप स्टॉप कर सकते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं रीकैप, और शुरुआत मैंने आज ज्वेलरी स्टॉक्स के साथ की है क्योंकि टाइटन की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव आई है, और 1138 के लक्ष्य के लिए इसको खरीदें, 1095 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। तमाम ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट भी पॉजिटिव है टाइटन को लेकर, बतौर फुल टॉस शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, लेकिन रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है ज्वेलरी स्टॉक्स पे। PC ज्वेलर जिसमें 85 का लक्ष्य है और 80 का लगाइए एक स्टॉप लॉस। HPL इलेक्ट्रिक को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, आज से पॉलीकैप का IPO खुल रहा है, HPL इलेक्ट्रिक पे 60 का टारगेट है, 57 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करें। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स 555 के लक्ष्य के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करें, 534 का स्टॉप लॉस। और ज्योति लैब्स पे जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है उसमें 250 की फेयर वैल्यू समझते हैं, 195 रहेगा आज का टारगेट, 180 का स्टॉप लॉस, बताओ फुल टॉस शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल। इसके अलावा पैरामिड एंटरप्राइजेस, ल्यूपिन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्यूमुलेशन कल के सत्र में रहा, फार्मा स्टॉक्स आज भी परफॉर्म कर सकते हैं। यूनाइटेड ब्रूरीज और इसको खरीद सकते हैं आप 1447 के लक्ष्य के लिए, लेकिन यॉर्कर शेयर यानी कि बिकवाली की सलाह रहेगी MRPL पे, 68 का लक्ष्य है, 71 का स्टॉप लॉस, और GNFC 336 के लक्ष्य के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करें। टाइटन के अलावा बाकी जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं उनकी चमक भी आज बढ़ती हुई दिखेगी, तो TBZ और उसके साथ साथ थंगा मिल जैसे जो स्टॉक्स हैं वो आज चमकते हुए दिखेंगे, 65 का टारगेट TBZ में, 340 तक की चाल थंगा मिल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बल फार्मा को GMP सर्टिफिकेट मिला है, 75 का टारगेट लेके खरीदारी करें। जेंसा टेक ने कुछ नए अपने कारोबार शुरू किए हैं अलग देशों में, 240 का लक्ष्य लेके यहाँ पे आप प्लस करके चल सकते हैं। और फुलटॉस शेयर है थ्रिमलाई केमिकल, सर्किट फिल्टर 5% से सीधा 20% हुआ है, 100 रुपये तक के टारगेट आ जा सकते हैं। और नेल्को में भी सर्किट फिल्टर रिविजन का इंपैक्ट रहा, तो 305 तक की जो चाल है आसानी से आज देखने को मिल सकती है। फैबलस फोर में जो पहला नाम है वो है BPL का, एक और ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है, इसका सर्किट 10% से बढ़कर 20% हो गया, 30 रुपये तक की चाल आ सकती है। बलरामपुर चीनी गुगली है क्योंकि आज बायबैक पे बोर्ड बैठक है, 144 जो 52 वीक हाई है वो लेवल आज टच हो सकता है। सिप्ला का गोवा प्लांट को EIR मिला है USFDA से, 540 रुपये का लक्ष्य होगा आज के लिए। और मदरसन सुमी ट्रेड वॉर का अगर कोई बेनिफिशियरी है तो वो सबसे बड़ा यही है, और टाइम कितना लगता है वो देखने लायक बात होगी, लेकिन उम्मीद यही है कि ये डील फाइनल हो जाएगी, 165 का टारगेट, 148 का आप स्टॉप कर सकते हैं।